होस्ट एंड दोस्त दक्ष। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मैं इस चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद दक्ष। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कैमरा का रिव्यू करूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पास 2 सोनी के कैमराज है। एक है सोनी साइबरशॉट DSCW310 कैमरा, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। तो आज मैं जो रिव्यू करने वाला वो है सोनी हैंडीकैम DCR-DVD610E कैमकॉर्डर। तो मैं आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि जब मैं छोटा था तब मेरे पापा ने ये हैंडीकैम किसी उनके फ्रेंड को शेयर कर दिया था, उनके फ्रेंड को बेच दिया था। तो उस टाइम में मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पापा ने बताया कि हमारे पास भी ऐसा कैमरा था। और आफ्टर स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल मुझे लगा कि मुझे कैमरा इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा ये हैंडीकैम हम ले सकते उन अंकल से, वो अंकल हमें दे ही नहीं रहे थे। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में उनको फोटोग्राफी करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, और वो एक्चुअली फोटोग्राफर थे तो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। और उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें हैंडीकैम वापस कर दिया, और हमने उनके पैसे उनको वापस कर दिए और उन्होंने हमारा कैमरा हमको दे दिया। तो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स फिगर आउट। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कैमकॉर्डर। तो अभी हम बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इधर आपको सोनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और नीचे हैंडीकैम की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इसके साथ आपको एक NPFH70 की एक आपको बैटरी भी मिल जाएगी इसके साथ, जब आप इस कैमरा को ख़रीदेंगे। और यहाँ पे नीचे DCR-DVD610E का है बैजिंग लिखा हुआ है इधर। तो इधर सॉरी फ्रेंड्स, 0 और ई थोड़ा सा मिट चुका है, तो क्योंकि बॉक्स भी काफ़ी पुराना हो चुका है, बिकॉज इट्स 2008 से मेरे अंकल ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो उन्होंने मेरे पापा को भेजा था। तो 2008 से अभी 2008 का है, तो ऐसा ही बॉक्स हो जाएगा। तो इसकी बैटरी लाइफ है, मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा। तो इसकी बैटरी लाइफ जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इसकी बैटरी लाइफ लिखी है 9 आवर्स। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये काफ़ी पुराना बॉक्स है तो थोड़ा सा फट चुका है, लेकिन मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि इसकी बैटरी लाइफ है 9 आवर्स। तो अभी हम फटाफट से इसको ओपन करेंगे। तो अभी चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको ऐसा ही कुछ बॉक्स मिलेगा। तो इसके अंदर हमें सही मैनुअल गाइडेंस सब कुछ मिल जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी। तो इन सबको हम साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक इसकी DVD है। तो ये DVD है कि आपको अपने PC अपने लैपटॉप में एक इसका सॉफ्टवेयर आता है, सोनी का ट्रांसफरिंग का सॉफ्टवेयर आता है, तो उसको आपको अपनी PC या लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप अपनी हैंडीकैम से डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपको DVD मिल जाएगी, और बाकी भी आपके पास ऑप्शन है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और अभी दूसरे पार्ट में हम आते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें ये है इसका दिस हैंडीकैम चार्जर। तो ये इसका चार्जर है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका चार्जर, ऐसा नहीं है कि आपको इसकी बैटरी अंदर फिक्स करनी पड़ेगी, ये पूरा इसका चार्जर है। तो आप इस के केबल को आप अपने हैंडीकैम में डाल दोगे तो आपका हैंडीकैम चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसकी केबल है जो इधर हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो वो मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी हम आते हैं दूसरी चीज़ की ओर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको रेड, वाइट और येलो कलर के 3 जॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इन तीनों जॉइंट्स को आप अपने TV में कनेक्ट करके आप देख सकते हो कि आपका जो हैंडीकैम है, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपके TV में भी दिखेगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ ये है इसका कार्ड रीडर। तो ये मेमोरी स्टिक प्रो डुओ एडेप्टर है इसका। तो ये आपको जब कैमरा ख़रीदेंगे तो कंपनी की तरफ से ही आपको इसके साथ मिलेगा। तो आप अपना जो डेटा केबल है, मतलब जो अपना आपका मेमोरी स्टिक प्रो डुओ है, उस ज़माने में मेमोरी स्टिक प्रो डुओ चलता था इस हैंडीकैम में, तो आप उस SD
इसके अंदर डाल के फिर आप अपने पीसी में डालेंगे या लैपटॉप में, तो कार्ड से आपका डेटा सारा कॉपी हो जाएगा। इसके अंदर आप मेमोरी स्टिक डालेंगे और फिर इसको आप अपने पीसी में या लैपटॉप में डालेंगे तो आपका कार्ड का डेटा कॉपी हो जाएगा। दूसरा तरीका यही है और ये इसका एक एडेप्टर आपको इसके साथ ही मिलता है। तो और फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की ओर, तो ये इसका डेटा केबल, तो इसको आप अपने हैंडीकैम में डाल के फिर अपने पीसी में डाल के फिर आप अपना हैंडीकैम का सारा डेटा कॉपी कर सकते हो। और फिर ये हमारी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारा हैंडीकैम, तो इसको आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है हैंडीकैम हमारा। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं, तो ये इधर से आपको देख रहे होंगे तो ये इसका डीवीडी सॉरी फ्रेंड्स सीडी कंपार्टमेंट। तो इसके अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना जो डीवीडी है वो एक इतना छोटा सा डीवीडी आता है मार्केट में मिलेगा, वो 80 सेंटीमीटर और 1.4 GB का इसके उस डीवीडी के अंदर आपको स्पेस मिल जाएगा। तो उसको आप इसके अंदर डालेंगे और फिर उस डीवीडी से भी आप सारा डेटा इसका कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इधर स्लाइडिंग वाला मैं फोकस थोड़ा सा कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो इसको हम ऐसे स्लाइडिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा। तो ऐसे मैं करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक है, जल्दबाजी करेंगे तो क्या पता इसका जो कवर है डीवीडी कंपार्टमेंट का वो उसका लॉक टूट भी सकता है, इसीलिए पूरा कैमरा ऑटोमेटिक है। इसीलिए आप जल्दबाजी ना करें, इसको ओपन होने दे, पूरा ऑटोमेटिकली ओपन होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका पूरा कैमरा ख़राब भी हो सकता है। और इसके अंदर आपको नाइट शॉट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इधर नाइट शॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इधर एक आपको बटन एक स्लाइडिंग वाला आपको दिख रहा होगा, तो अभी नाइट शॉट है वो ऑफ है, तो अभी इसको ऑन करने के लिए हम ऐसे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। नाइट शॉट में आप अच्छे से एकदम शूट कर सकते हैं जैसा मुझे पता है। और ये है जूम इन जूम आउट के लिए, आपके पास टू ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे स्क्रीन है तो यहाँ से भी आप अपना जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और इधर से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और आपके पास टू ऑप्शंस हैं, आप इसके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फोटोज़ भी खींच सकते हैं। तो फोटो खींचने के लिए सिंपली ये बटन क्लिक करना होगा और रिकॉर्डिंग के लिए ये बटन, तो आपके पास रिकॉर्डिंग करने के लिए एक इधर से भी आप कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा हो इस पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर ये है इसकी बैटरी, तो अभी इसको ये इसको आप ऐसे पुल करेंगे तो आपकी बैटरी स्लाइड होगी फिर आपके हाथ में आप ऐसे आ जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसकी बैटरी है, इसकी बैटरी लाइफ 9 आवर्स है जैसे कि मैं आपको बताया। तो अभी इसको हम स्लाइड इन करना है, सिंपली जस्ट कैसेट के जैसे ही हमें इसको स्लाइड इन करना है, तो अभी ये हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये अच्छे से एकदम स्लाइड इन हो गई है। और फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 लाइट्स मिल जाएगी, एक है चार्जिंग के लिए, दूसरी है रिकॉर्डिंग के लिए और तीसरी है फोटोज़ खींचने के लिए। तो चार्जिंग करने का मैं आपको अभी सैंपल दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और फिर यहाँ पे नीचे आपको एक ट्राइपॉड का माउंट भी मिलेगा और ये और आगे ये इसका ZS कंपनी का लेंस जो सोनी अपने हर कैमराज में यूज़ करती है, तो ये इसका लेंस का शटर, तो इसको आप ऐसे नीचे करेंगे तो आपका लेंस का हर है वो हट जाएगा और आपका जो लेंस है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसको बंद रखते हैं, तो ये इसका स्ट्रैप जिसके अंदर आप हाथ डाल के ऐसे करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो स्ट्रैप इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसका जो LCD स्क्रीन है इसकी जो रिकॉर्डिंग की साइज़ है वो आप आजकल के यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे वो फुल स्क्रीन साइज़ आती है,
लेकिन पहले के ज़माने में कैसा आता था, बहुत ही छोटी साइजेस आती है, लेकिन इसके अंदर आपको फुल साइज मिल जाएगी। और अब इसके अंदर ये इसकी LCD स्क्रीन, तो ये ऐसे 360 डिग्री फ्लिप होती है। तो रिकॉर्डिंग के टाइम आप देख सकते हो कि मेरा जो फेस है वो अच्छे से दिख रहा है या नहीं, कभी मेरा सिर तो नहीं कट रहा है, ऐसा सब कुछ आप देख सकते हो। इसकी 360 डिग्री फ्लिप स्क्रीन है। और फिर यहाँ पे आपको मेमोरी स्टिक के आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो इसके अंदर ये है इसकी इसका मेमोरी इसकी मेमोरी स्टिक प्रो डुओ आती है, तो ये इसकी मेमोरी स्टिक। तो अभी इसको हम अंदर रखते हैं, तो ये 512 MB की है, तो अभी इसको हम अंदर रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको ऐसे अंदर फिट कर दूंगा और इसको मैं क्लोज कर दिया। और ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसका आप केबल इसके अंदर डाल के आप अपने कैमरा का डेटा डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क में या फिर हार्ड ड्राइव में कॉपी कर सकते हो। और ये है सोनी की ब्रांडिंग, और ये सोनी एंडीकैम हाइब्रिड है, तो इसके अंदर हाइब्रिड मूवी रिकॉर्डिंग होती है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये ZS कंपनी का स्टिकर है, तो इसके अंदर 40x ऑप्टिकल जूम होता है विथ हाइब्रिड मूवी रिकॉर्डिंग। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आप अपने मेमोरी स्टिक पे भी चला सकते हो, दूसरी है कि आप अपने CD पे भी चला सकते हो। छोटी सी CD आती है मार्केट में, आपको मिल जाएगी 80 cm की, मेमोरी स्टिक पे भी होता है और DVD पे भी होता है। और ये है पूरा कैमरा है। तो अभी इसको ये इसका स्पीकर, तो ये आप देख सकते हैं ये डॉल्बी डिजिटल ने इसका स्पीकर बनाया है। तो अभी इसको हमें ऑन कैसे करना है, तो सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, इधर आपको जो ग्रीन बटन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हमें ऐसे करेंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये ग्रीन लाइट मिलेगी यहाँ की, आपका हैंडीकैम लिख के आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो अभी ये लेंस कवर ऑन करने खोलने के लिए दिखा रहा है, तो अभी इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ये चला गया। तो अभी इसके अंदर हमें हमारा लोकेशन सेट करना होगा, तो मैं लोकेशन सेट करके फिर आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसकी बैटरी लेवल है वो लो हो चुकी है, तो अभी के अभी मैं इसका सैंपल आपको दिखा देता हूँ कि हमें इसको कैसे चार्जिंग करना है इस कैमकॉर्डर को। तो अभी इसको मैं ऐसे ये है इसका चार्जर, तो अभी इसको मैं ऐसे थोड़ा सा मैं अनबॉक्सिंग किया था तो थोड़ा सा मिक्स हो गया था। और तो ये इसके 2 केबल्स हैं, एक्चुअली ये एक ही आता है, 2 केबल्स आपको मिलते हैं। तो इसको मैं ये वाला जो है ये वाला पोर्ट, तो इसको मैं इसके अंदर ऐसे डालूँगा। तो अभी ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, और आपको इसके साथ जैसे कि मैं आपको बताया कि ये अडेप्टर आपको इसके साथ मिलता है। अगर आपके पास ऐसा अपने घर में सर्किट पोर्ट लगा हुआ है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके घर में नहीं लगा है तो आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आपके पास पड़ा है तो आप इसको इसके अंदर ऐसे डाल के कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई नॉर्मल सी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आपको आराम से ये मिल जाएगा। तो अभी इधर मैं जस्ट आपको करके इधर दिखाऊंगा, तो इधर ये है मेरा पॉइंट, तो इसके अंदर मैं ऐसे डालूंगा और फिर मैं। सो फ्रेंड्स, अभी इसके जो केबल है इसका केबल है ये, तो इसका चार्जिंग पोर्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो ये है, तो दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट। तो इसके अंदर मैं इसको डालूँगा, तो जस्ट अ सेकेंड मैं अभी डालता हूँ इसको। तो अभी इसको हमें अच्छे से डाल देना है, तो ये मैंने आराम से लगा दिया, और फिर मैं अपनी स्विच को ऑन कर दूँगा। तो अभी इधर लाइट स्टार्ट होगी फ्रेंड्स, तो ये हो गई ऑरेंज लाइट स्टार्ट। इसका मतलब आपकी जो कैमरा की जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी इसकी चार्जिंग होने देते हैं, फिर मैं इसको ऑन करूँगा। तो चलिए।
ओके सो फ्रेंड्स, अभी ये चार्ज हो चुका है, तो अभी इसको जस्ट हमें सिंपल सी चीज़ें, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे करेंगे, तो ये आवाज़ आई, हैंडीकैम लिख के आएगा। तो ये अभी डिस्क एक्सेस है, तो अभी इसको अभी मैं तो फ्रेंड्स अभी हमें सबसे पहले हमें इसको मेमोरी स्टिक मोड पे कैसे करना है, तो जस्ट मैं आपको इधर बताऊंगा। तो इधर होम में जाना है हमें, और इधर मूवी मीडिया सेट पे आपको दिख रहा होगा, तो इधर नीचे हम इधर आएंगे, इधर मूवी फोटो, और यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा सा फोकसिंग कर देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छी विजिबिलिटी रहे। तो इधर मैं जाऊँगा, तो इधर आपको मूवी मीडिया सेट आपको दिख रहा होगा, तो इधर मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको कौन सी करनी है, मेमोरी डिस्क या मेमोरी स्टिक, तो मैं मेमोरी स्टिक पे क्लिक करूँगा। तो एक बार कंफर्म हो गया, और फिर यस पे करूँगा, तो ये एग्जीक्यूटिंग आ रहा है, तो कंप्लीटेड। हाँ तो अभी ओके पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये थोड़ा सा ऐसा मैसेज आता है, लेकिन बट रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं जूम इन जूम आउट करता हूँ, तो इधर से मैं ऐसे करूँगा, तो ऐसे मैं करूँगा, तो इधर ऐसे आ, तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो फोटोज़ खींचने के लिए आपको जस्ट ऐसे प्रेस करना है, और इधर करेंगे तो यहाँ पे फोटो का, तो ये मैसेज जस्ट ऐसे ही आ रहा है, थोड़ी देर में जब चला जाएगा। तो इधर फॉर एग्जांपल मैं इधर ऐसे फोटो खींच लेता हूँ, ऐसे करके इस बॉक्स का, तो ये खींच गया है। और मूवी में रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं ये ऐसा मैसेज, सॉरी फ्रेंड्स बेयर कर देना थोड़ा सा, तो अभी मैं इधर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा, तो इधर देख लीजिएगा, तो मैं इधर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा, तो अभी ये ऊपर रिकॉर्डिंग का दिख रहा होगा, तो ये चला जाएगा मैसेज थोड़ी देर में, तो ये आपको टाइमर थोड़ा दिख रहा होगा, यानी कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अभी इधर से हम थोड़ा सा जूम करेंगे, और इधर से जूम इन जूम आउट, तो अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे, तो अभी ये मैसेज चल रहा है, फिर हम इसको ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे इसके कुछ फीचर्स, तो अभी हम इसको ऑफ कर देंगे, तो ये ब्लू स्क्रीन आएगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा, तो ये देख लीजिएगा ऑफ हो गया, और अभी हम इसको आराम से बंद कर देंगे। तो ये हमारा कैमरा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान में बिल्कुल रखना, कि ये पूरा कैमरा ऑटोमेटिक है, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर ली तो फिर आपका जो कैमरा का जो है, अगर आपने बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, और अगर आपने डिस्प्ले भी ऐसे ज़ोर से खींचा तो उसका लॉक भी टूट सकता है, इसलिए आप इस बात से केयरफुल रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और इसके लेंस कवर को मैं बंद कर देता हूँ, और इसके दूसरे पार्ट में भी मैं, और इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरे पार्ट में मैं इसके जो है सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं, अंदर के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके बाद जो मेरे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर देना, और मैं जल्द से जल्द पार्ट टू भी ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू सी माई नेक्स्ट वीडियो, एंड वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, बाय बाय।